सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमोटिव। और दोस्तों, आज की टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S11 8 के रिकॉर्डिंग की। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S11 में आपको 8K रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा एट 30 फ्रेम पर सेकंड। यहाँ आपको सैमसंग का 108 मेगापिक्सल का आइसोसेल सेंसर यूज़ किया जाएगा। इसके चलते दोस्तों इसकी ब्रांडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी आइसोसेल सेंसर की। वहीं सोनी ने भी अपना 60 मेगापिक्सल लॉन्च किया है, लेकिन सैमसंग अपना ही सेंसर इस फ़ोन में देना चाहता है जो कंपेटिबल है आपका 8K रिकॉर्डिंग के लिए। तो काफ़ी शानदार होने वाला है इसका कैमरा और फरवरी के महीने में इंडिया में आपको जरूर से ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट खबर दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी W20 5G वेरिएंट इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये लगभग आपके सिमिलर है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड से, लेकिन यहाँ पे आपको जो डिवाइस है उसमें आपको 5G देखने को मिलेगा। इसकी लॉन्च डेट आज है, यानी कि 19 नवंबर चाइना में ये लॉन्च होने वाला है। और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो नियर अबाउट 1.4 लाख होने वाली है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ आपको 4.6 इंच का फ्रंट में डिस्प्ले मिलेगा और डिज़ाइन लगभग सिमिलर है गैलेक्सी फोल्ड का। यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो काफ़ी शानदार पैकेज होने वाला है और शायद से इंडिया में ये लॉन्च नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर निकल के आती है, बस रियलमी 5S इंडिया में लॉन्च होने वाला है। उससे पहले इसके गीक बेंच स्कोर्स और इसकी प्राइस लीक हो चुकी है। आप आपके स्क्रीन पे गीक बेंच स्कोर इसका देख सकते हैं दोस्तों। सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर में ये आपका इक्विवेलेंट है स्नैपड्रैगन 665 का। तो यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 मिलने वाला है। बाकी स्पेसिफिकेशन तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, और अगर स्पेसिफिकेशन आप देखना है तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इसका प्राइसिंग कन्फर्म हो चुका है कि 8999 में इंडिया में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1000 सस्ता रहने वाला है रेडमी नोट 8 से ये। उसको टक्कर देने के लिए रियलमी प्राइसिंग को घटाने वाला है। यहाँ आपको HD डिस्प्ले मिलेगा, इसलिए शायद से प्राइसिंग थोड़ी सी कम होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, यहाँ आपको एप्पल का एक इवेंट 2 दिसंबर को ऑर्गेनाइज होने वाला है न्यूयॉर्क सिटी में। ये इवेंट जो है दोस्तों NYC नाम से ये इवेंट है, और इस इवेंट में एप्पल के जो भी एप्पल स्टोर में ऐप्स हैं जो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रेटिंग जिनका रहा और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उन सब क्रिएटर्स और डेवलपर्स को एप्पल जो है ऑनर करेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे जो है काफ़ी अच्छा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, जो डेवलपर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, वो और अच्छे ऐप स्टोर पे लाएंगे। तो ये 2 दिसंबर को शेड्यूल है। बाकी दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो अगली खबर आपको निकल के आती है स्मार्ट टीवी से रिलेटेड और एंड्रॉयड टीवी से रिलेटेड। कुका नाम की कंपनी ने, जापान की कंपनी, इंडिया में 4 नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका रिव्यू भी हमने अपने चैनल पे किया है, उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो यहाँ आपकी जो 32 इंच मॉडल है उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 8999, 9000 से स्टार्टिंग है दोस्तों। और जो 55 इंच मॉडल है उसकी प्राइसिंग है 31500। प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव है और स्पेसिफिकेशन भी ठीक है। बाकी देखना होगा कि कैसा सर्विस मिलता है इसका, क्योंकि एकदम नई कंपनीज है, और हमें देखना होगा क्योंकि थॉपसन ने भी अपने स्मार्ट टीवीज़ को वापस से लॉन्च किया, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो यहाँ तो बी टीवीज़ ही सबसे ज़्यादा बिक रही है। बाकी दोस्तों, आप कौन सा टेलीविज़न इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और क्या आप कुका टीवी को लेना पसंद करेंगे ये भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट खबर की बात करें तो ओप्पो का फ्लैश चार्ज के साथ एक पावर बैंक इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 20 वाट का आउटपुट है यहाँ, और आपका कोई भी रियलमी या ओप्पो के डिवाइसेस जो भी फूक चार्जिंग के साथ आते हैं उसको ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ स्टार्टिंग प्राइस है वो है आपको 1499 से, मतलब 1500 के रुपये से स्टार्ट होता है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है ओप्पो की तरफ से, और फास्ट चार्जिंग आपको पावर बैंक देखने को मिलता है। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हम सब वेट कर रहे हैं रियलमी X2
प्रो के प्राइसिंग का, देखते हैं क्या एग्रेसिव प्राइस के साथ रियलमी इंडिया में इसे लॉन्च करता है। तो बस एक दिन का इंतजार है, तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।